अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कैफलाम टैबलेट के बारे में बात करेंगे। कैफलाम टैबलेट नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जिसमें जो मेन साल्ट या मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है उसका नाम है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। कैफलाम एक पेन किलर मेडिसन है, जो कि एक एनसेड मेडिसन है, यानी एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन है। कैफलाम टैबलेट को बुनियादी तौर पर जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपके जोड़ों में शदीद दर्द है, स्वेलिंग है, सोजिश है, तो उस सूरत में आप कैफलाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं पर भी शदीद दर्द हो, पट्ठों में शदीद दर्द हो, हड्डियों में शदीद दर्द हो, तो उस सूरत में भी आप कैफलाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैफलाम टैबलेट को कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में शदीद दर्द है तो उस सूरत में आप कैफलाम टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दांत में शदीद दर्द है, सर में शदीद दर्द है, तो उस सूरत में भी आप कैफलाम टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैफलाम टैबलेट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी सर्जरी के बाद जो पेन उठता है उसको ख़त्म करने के लिए भी आप कैफलाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैफलाम टैबलेट को प्राइमरी डिसमनेरिया यानी माहवारी के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफलाम टैबलेट के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इस मेडिसन को इस्तेमाल करने के बाद आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। कोई भी पेन किलर मेडिसन आप 14 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 14 दिन से ज़्यादा पेन किलर मेडिसन को इस्तेमाल करने से आपको स्टमक में अल्सर बन सकता है, यानी आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर हो सकता है, यानी आपके मैदे में ज़ख़म बन सकते हैं। इसलिए कोई भी पेन किलर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।